वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लगभग 50 एमसीक्यूज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स के, व्यष्टि अर्थशास्त्र के हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए आज का। निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार ओलिगोपोली की परिभाषा के अनुरूप हैं? अल्पाधिकार बाजार क्या होता है? जिस बाजार में किसी वस्तु के जो विक्रेता होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। बड़ी फर्में जो होती हैं किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली, उनकी संख्या जब बहुत कम होती है वो बाजार कौन सा होता है? अल्पाधिकार। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिगरेट उद्योग। नेक्स्ट देखिए सेकंड। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है उत्पादों में विभेद, ये कहाँ पे होता है? एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? समान समरूप उत्पादन होता है। फिर किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य, ऐसा एकाधिकार की स्थिति में होता है। विक्रेता अधिक लेकिन खरीददार कम, ऐसा भी नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? किसी एक समय में एक जैसी वस्तु के लिए एक समान कीमत होती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए। पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती हैं, यह उक्ति किसकी है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती हैं, यह कथन किसका है? जे बी से का, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए। संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है, ठीक है। संतुलन स्तर बिंदु क्या होता है? जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इस बिंदु पर निम्न में से क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें से देखिए, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। सामान्य लाभ जिसको हम न लाभ न हानि कहते हैं, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए डी की जगह अगर यहाँ पर लिखा होता उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए। लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें उत्पादक, ठीक है, लाभ अलाभ का बिंदु किसको कहा जाता है? जिसमें उत्पादक को न लाभ होता है न हानि होती है। जो सामान्य लाभ का बिंदु होता है जहां पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होती हैं, औसत आगम और औसत लागत दोनों बराबर होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन होना चाहिए इसमें डी। नेक्स्ट देखिए। अज्ञात अप्रचलन का अभिप्राय स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य की हानि, जिसको हम मूल्यह्रास कहते हैं, निम्नलिखित में से इसका क्या कारण है, ठीक है। अप्रत्याशित अप्रचलन जो कहा जाता है उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होने पर, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारण से सीमांत प्रतिफल वर्धमान प्रतिफल से ह्रासमान प्रतिफल में बदल जाते हैं, ठीक है। वर्धमान प्रतिफल जो होता है वो ह्रासमान प्रतिफल में कब बदल जाता है? जब उत्पादन का जो अनुकूलतम स्तर होता है उससे भी अगर अधिक उत्पादन किया जाए, तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए। अन्य बातें पूर्ववत रहे का अर्थ क्या होता है? अन्य बातें पूर्ववत रहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी अर्थशास्त्र का नियम उसमें माना जाता है कि अन्य तत्वों को अगर हम स्थिर मान लें, अन्य बातों को समान मान लिया जाए, उसको क्या कहा जाता है? अन्य बातें पूर्ववत रहे जो मान्यताएं होती हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि अन्य सभी जो बातें वो क्या होनी चाहिए, एक तरह से अपरिवर्तित होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए। पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है, पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त इसमें से कौन सी है? एक जैसे उत्पादों की विभिन्न कीमतें, ऐसा पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होता है। क्रेताओं और विक्रेताओं की विशाल संख्या, ये आंसर आपका करेक्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है? जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है, उसी मांग वक्र के संचलन को क्या कहा जाता है? ये आपका मांग वक्र है
और अगर संचलन इसी मांग वक्र पे होता है, जैसे ए बिंदु से बी बिंदु की ओर या बी बिंदु से ए बिंदु की ओर, तो उसी मांग वक्र पर जो संचलन होता है उसको क्या कहा जाता है, मांग का विस्तार या मांग का संचलन। ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ मांग का विस्तार है, एक्सपांशन जिसको हम कह सकते हैं, और बी बिंदु से ए की तरफ क्या है, कॉन्ट्रेक्शन संकुचन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी उद्योग की विशेषता परिमाण मूलक सुलभ हो तो यहां पे होगा कि उत्पादन की दीर्घावधि जो प्रति इकाई लागत है वो कम हो जाती है, क्योंकि फर्मों के द्वारा उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, यदि मांग की आय लोच एक से अधिक है तो वस्तु किस प्रकार की होगी। तो जो विलासिता वाले वस्तुएं होती हैं उनमें मांग की आय लोच क्या होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लग्जरी गुड होते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट आपका है 13th, यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाई ओर पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की गई मात्रा क्या होगी। ठीक है, देखिए आपका जो क्वेश्चन बन रहा है ये वाला है, ये आपका मांग वक्र है, ये वस्तु की कीमत है, ये मांगी जाने वाली मात्रा है। वस्तु की कीमत का नाम दे दिया हमने ओ से लेकर पी, और मांग मात्रा कितनी है, ओ से लेकर क्यू। अब मांग वक्र आपका दाईं ओर खिसक जाए, जैसे ये हो जाए, और उसी कीमत पे अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, मांगी जाने वाली जो मात्रा है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग, जो इन्फीरियर गुड हैं उसके संदर्भ में अगर उस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो उसकी जो मांग है वो भी क्या होगी, कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, यदि क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक हो तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, जब किसी वस्तु को खरीदने वाला क्रेता केवल एक ही होता है उसको क्या कहा जाता है, एक क्रेताधिकार कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, संतुलन में पूर्णतः प्रतिस्पर्धी फर्म, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म निम्नलिखित में से किसको समीकृत करेगी। ठीक है, जब हम संतुलन की बात करते हैं तो एक फर्म का जो संतुलन वो कहाँ पे होता है, जब सीमांत लागत और सीमांत आगम क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमांत लागत और राजस्व का मतलब क्या है, हिंदी शब्द इसका आगम भी हम इसको कह सकते हैं, रेवेन्यू। तो सीमांत आगम और सीमांत लागत जहाँ पे दोनों बराबर होगी वहाँ पे संतुलन की स्थिति होगी। नेक्स्ट है, बाएं से दाएं नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र का ढाल निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। देखिए, सीमांत उपयोगिता वक्र में हम इधर वस्तु की मात्रा लेते हैं और इधर हम लेते हैं सीमांत उपयोगिता, और ये सीमांत उपयोगिता वक्र का ढाल होता है ऋणात्मक। तो ये क्या बताता है कि सीमांत उपयोगिता और वस्तु का जो स्टॉक है उसके बीच में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, सीमांत उपयोगिता तथा पर्ण्य स्टॉक। ठीक है, पर्ण्य का मतलब वस्तु से है, वस्तु का जो स्टॉक है उसके बीच में क्या संबंध होता है, प्रतिलोम संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। नेक्स्ट देखिए, उद्यम योग्यता श्रम की एक विशेष किस्म है। ठीक है, जो क्या करती हैं, उत्पादन प्रक्रिया में विभिन्न साधनों का समायोजन करके व्यवस्था करती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें, ठीक है, संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें परिवर्तन कब, उस व्यवस्थित परिवर्तन होता नहीं है, और परिवर्तन कब हो सकता है, जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है तब। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो वस्तु की मांग के अगर हम तत्वों की बात कर रहे हैं तो वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मुद्रा होनी चाहिए, उस मुद्रा को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं खरीदने की शक्ति। तो यहाँ पे जो ज़्यादा सही आंसर होगा वो क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है अंतरण आय या विकल्प अलागत, ठीक है। अल्टरनेटिव कॉस्ट किसको कहा जाता है, तो जो आपकी अवसर लागत होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए संतुलन कीमत का अर्थ होता है, ठीक है, संतुलन कीमत कौन सी होती है, ऐसी कीमत जिसका निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। यह आपका मांग वक्र है या आपका पूर्ति वक्र है, दोनों जिस बिंदु पर बराबर हैं तो ये ओ से लेकर जो पी है इस कीमत को हम क्या कहते हैं, संतुलन कीमत कहते हैं, जिसका निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होता है। नेक्स्ट देखिए कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए किसी क्रेता या विक्रेता द्वारा की गई कार्रवाई को क्या कहा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिरक्षा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए किसी व्यापार में कच्ची सामग्री, घटक, चालू काम और तैयार माल को संयुक्त रूप से क्या माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा तैयार माल को भी हम ले रहे हैं, कच्ची सामग्री को भी ले रहे हैं, तो ये फर्म की एक तरह से माल सूची होती है, इन्वेंट्री स्टॉक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस समय सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। नेक्स्ट है उत्पादन के जिन कारकों को फर्म न किराए पे लेती है न खरीदती, मतलब बाजार से जिनको किराए पर नहीं लिया जाता है उन पर नियत की गई लागत को क्या कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको क्या कहा जाता है, आरोपित लागत। नेक्स्ट है उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है, एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे उपभोक्ता ही निर्णय लेता है कि किन वस्तुओं का अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जाएगा और कितनी, मतलब उपभोक्ता के जो निर्णय होते हैं उसी के ऊपर निर्भर होता है कि अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन किया जाएगा, किस वस्तु का किया जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो उपभोक्ताओं के द्वारा व्यय किया जाता है वो बताता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का जो आवंटन है वो किस प्रकार होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 28, यदि एक्स माल की कीमत कम हो जाती है, वस्तु एक्स है, अगर एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वाई की मांग कम हो जाती है, ठीक है, डिमांड जो है वो किसकी कम होती है, वाई वस्तु की। इसका मतलब जो वस्तु है वो किस प्रकार की है, सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन वस्तु है, एक्स और वाई जो है वो प्रतिस्थापन वस्तु होगी, तो एक की कीमत में कमी होने पर दूसरे की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता अब क्या करेगा, जिस वस्तु की कीमत कम हो गई है वो वस्तु सस्ती हो गई है तो सस्ती वस्तु को वो महंगी के स्थान पर स्थानापन करेगा। नेक्स्ट देखिए संतुलन स्तर बिंदु वह होता है जहां पे सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होती हैं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मांग के नियम में कथन अन्य बातें स्थिर रहती हैं क्या क्या अर्थ होता है, ठीक है, अन्य बातें समान रहने का मतलब वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में वस्तु की कीमत के अलावा बाकी सभी तत्वों को स्थिर माना जाता है, जैसे उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें, उपभोक्ता की जो रुचि है, फैशन है, ये सभी स्थिर रहें। इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है एकाधिकारियोगिता की एक अनिवार्य शर्तें हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस बाजार में उत्पाद विभेदीकरण होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ वस्तुओं के निर्माण से नहीं होता है, किससे होता है, उसमें उपयोगिता का सृजन करना, ठीक है, तो उपयोगिता का जो सृजन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उत्पादन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। एक फर्म साम्यावस्था में होती है जब,
तो साम्यावस्था के लिए क्या कंडीशन है? वही कि जो सीमांत लागत है वो सीमांत आगम के बराबर होने चाहिए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 34। मुक्त उद्यम पद्धति जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है उसके अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में। ये जो संकल्पना है इसको क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं उपभोक्ता प्रभुत्व। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक विचारधारा के अनुसार ह्रासमान प्रतिफल नियम लागू होता है। तो उत्पादन का जो आधुनिक नियम है वो क्या बताता है? जैसे प्राचीन नियम तो बताता कि कृषि जो है वहाँ पे ह्रासमान प्रतिफल लागू होता है और उद्योग धंधों में बढ़ते प्रतिफल लागू होते हैं, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री का विचार है कि उत्पादन का कोई सा भी क्षेत्र हो, कृषि, उद्योग, खनन, उत्पादन के सभी क्षेत्रों में ह्रासमान प्रतिफल नियम जो है वो लागू होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग। तो चाय और कॉफ़ी क्या है? स्थानापन्न वस्तु हैं। और स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है? अगर एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो दूसरी वस्तु की जो मांग है वो भी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, समुद्री जल, स्वच्छ वायु आदि को अर्थशास्त्र में माना जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा फ्री, नैसर्गिक वस्तुएं होती हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 38। मूल लागत किसके बराबर होती हैं? मूल लागत क्या होती हैं? उत्पादन प्रक्रिया में जो परिवर्तनशील लागत होती है, ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मद श्रम आपूर्ति का निर्धारण नहीं करती हैं? ठीक है, श्रम की जो पूर्ति होती है वो जनसंख्या के आकार, आयु संरचना के ऊपर निर्भर करती है, कार्य का स्वरूप क्या है इसके ऊपर भी निर्भर करती है, श्रम की सीमांत उत्पादकता के ऊपर भी निर्भर करती है, कार्य और अवकाश का जो अनुपात है इसके ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एंजिल का नियम किसके बीच संबंध को बताता है? ठीक है, एंजिल का जो नियम होता है वो क्या दर्शाता है? उपभोक्ता की आय और किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, वस्तु की मांग मात्रा और उपभोक्ता की आय के बीच में संबंध को दर्शाता है एंजिल का नियम, और दोनों के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, ऐसा एंजिल का विचार था जिसको हम एंजिल वक्र कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र किस प्रकार का होता है? ठीक है, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? जिसमें कीमत बढ़ने के साथ साथ में मांग बढ़ती है, तो मांग वक्र जो होता है वो ऊपर की ओर बढ़ती हुई रेखा होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत विकसित किया गया है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है उसका कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? जॉन सॉरी चेंबरलिन के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। और अपूर्ण प्रतियोगिता का जो सिद्धांत है वो जॉन रॉबिन्सन के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कृषि उत्पादों की जो आपूर्ति है वो किस प्रकार की होती है? ठीक है, तो कृषि उत्पाद जो होते हैं उनकी आपूर्ति क्या होती है? बेलोजदार हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जब कुल उत्पादन, ठीक है, यहाँ पे कितने क्या है? कुल उत्पादन, जब कुल उत्पादन वर्धमान बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ठीक है, जब आपका कुल उत्पादन है, टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? कि जो सीमांत उत्पादन है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें चेंज कर लेना कि जब कुल उत्पादन वर्धमान, ठीक है, इंक्रीजिंग बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, तो कुल उत्पादन जो है, ठीक है, अगर बढ़ती हुई दर से बढ़ता है इसका मतलब क्या हो गया? सीमांत उत्पादन जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नेक्स्ट है,
जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तब सीमांत लागत क्या होती है? तो औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में जो संबंध है वो आपको ध्यान रखना है, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट है। और जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत भी क्या होती है? घटती है। और जो सीमांत लागत होती है वो औसत लागत की तुलना में अधिक होती हैं या कम होती हैं, ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जब औसत लागत घटती हैं तो सीमांत लागत जो होती है वो भी क्या होती हैं? घटती हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का विस्तार या संकुचन निम्नलिखित में इसमें किसमें परिवर्तन का परिणाम होता है, ठीक है? विस्तार और संकुचन जो होता है वो एक ही मांग वक्र पे होता है, जो किस कारण से होता है? उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। और अन्य तत्व जैसे उपभोक्ता की आय हो गया, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन के कारण अगर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होगा तो उसको क्या कहा जाता है? मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, उत्पादन फलन जो है वो क्या बताता है? तो उत्पादन फलन क्या दर्शाता है? उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के जो कारक होते हैं उनके बीच में संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा उत्पादन और उत्पादन के कारकों के बीच में संबंध को दर्शाता है, ठीक है? तो आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। मांग का नियम क्या बताता है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होने से उस वस्तु की मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाना चाहिए इसमें ऑप्शन ए, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उस वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है, ये मांग का नियम दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए आपका, पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच किस प्रकार की है, ठीक है? पेट्रोल और कार एक तरह से क्या है? पूरक वस्तुएं हैं। और पूरक वस्तुओं में क्या होगा कि जैसे पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ जाती है तो जो कारों की मांग है वो भी क्या होगी? एक तरह से कम हो जाएगी। तो पेट्रोल और कार के बीच में मांग की जो प्रतिलोच है, आड़ी लोच या तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी किस प्रकार की होती है? नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा अंतिम क्वेश्चन है, प्रकटित अधिमान सिद्धांत रिवेल्ड प्रिफरेंस थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई है? तो रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी मांग का जो आधुनिक सिद्धांत है वो सैमुएलसन के द्वारा दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी।